क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 4.3। कल के क्लास में हम लोग शुरू किए थे प्रश्नावली 4.3 और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया गया था। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे किसी द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी द्विघात समीकरण का हल द्विघाती सूत्र के द्वारा किया जाता है। जब कल क्लास शुरू हुआ तो आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवाए गए थे जिसमें d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, और उसके बाद लिखवाया गया मूल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, जहाँ डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूले लिखवाए गए थे। इन्हीं दो फॉर्मूले पर हम हल करेंगे द्विघात समीकरण का, जिसे कहा जाता है द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करना। द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या उपयोग करके ज्ञात कीजिए? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4। अब चारों को आपने 1 नंबर क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग विधि से बनाया था, लेकिन यहाँ पर द्विघाती सूत्र से बनाना है। किस सूत्र से? पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है। हाँ, हम चाहे द्विघाती सूत्र से बनाए, पूर्ण वर्ग विधि से बनाए, दोनों में जो x का मान आएगा अलग अलग नहीं आएगा, वो बिल्कुल एक समान ही आएगा। जैसा कि हम तीसरे पार्ट में पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, सभी में हल करते हैं तो क्या उसमें एक्स वाई का मान अलग अलग आता था? एक ही जैसा आता था, लेकिन तरीका अलग अलग होता था। इसमें भी चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि से, गुणनखंड विधि से, या द्विघाती सूत्र से, किसी भी विधि से आप हल कीजिए, आंसर कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, बस तरीका बदल जाएगा। तो आइए, बड़ा ही इजी लगेगा आप लोगों को, सबसे इजी यही लगेगा, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि, इन दोनों से सबसे इजी आप लोगों को यही लगेगा। तो पहला सवाल है 2x² - 7x+3 बराबर, सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? तो d निकालना सीख गए हैं। तो d बराबर होता है b² - 4a, और आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है a, b और c। a होता है x² के बगल में, तो x² के बगल में 2 है, तो a का मान 2 हो जाएगा। फिर b है -7x, तो -7 x के बगल में होता है, वो किसका मान होता है? बीटा। और जो अकेला अंक है उसको क्या कहते हैं? सी। कल बताया गया था ना इसको। तो a का मान 2, b का मान -7 और c का मान 3। अब d बराबर b² - 4ac, b का जगह -7 और उसमें क्या लगाएंगे? Square। फिर 4 का 4, a का मान 2 और c का मान 3। 7 - 7² का अर्थ हुआ -7 में -7 से 2 बार गुणा करना, माइनस से माइनस, तो 7 सते। अब देखिए, ये 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 का 24 49 से 24 कटाएंगे तो 25, 25 प्लस में कि माइनस में? तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो लिखेंगे हाँ मूलों का अस्तित्व, क्योंकि डी का मान जी प्लस में आ रहा है। इतना तो इसमें भी चेक करना है, उसमें भी चेक करना था, सेम यही सवाल कल पढ़े थे ना। Yes। अब यहां से तरीका बदलेगा, द्विघाती सूत्र से। किस सूत्र से? द्विघाती सूत्र से हम निकालेंगे मूल। क्या निकालेंगे? मूल का सूत्र होता है -b प्लस माइनस
रूट अंडर डी बटा टू ए, होता है ना। तो ये माइनस का माइनस, फिर बी का मान किसका मान बताइए, बी का मान कितना है? देखिए यहाँ पर बी का मान माइनस सात, तो एक माइनस ये फॉर्मूला का है, एक माइनस इस बी का है माइनस सात, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान कितना निकला था? 25 निकला था ना, उसको वहां पे लिख देंगे, जितना डी का मान निकालेंगे उसको वहां पे लिख देंगे, आ जाएगा। बोलिए अब 2a, तो 2 का 2 आ a का मान 2, a का मान 2, आगे हल करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस 7 का 7, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, अब बटा में 2 दूना 4। देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस, तो याद रखिएगा जो प्लस में होता है उसको अल्फा कहते हैं और जो माइनस में होता है उसको बीटा कहते हैं। मतलब 7 प्लस 5, तो इसमें केवल प्लस है, केवल क्या है प्लस, तो ये जो होगा वो अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा। लेकिन जब बात की जाए किसकी बीटा, तो 7 इस प्लस के जगह क्या माइनस बटा 4, बस इतना ही किया जाता है। प्लस होगा तो अल्फा, अब माइनस होगा तो बीटा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 7 को 5 को अब बटा में, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बटा 4। चलिए 4 ती आई आइए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो बीटा का मान 1/2, अल्फा का मान 3, अतः मूल बराबर 3 1/2। देख लीजिए कल के सवाल में इतना ही आंसर आया होगा, एक का एक नंबर भी आंसर इतना ही होगा, मूल इतना ही आया होगा। तो बस तरीका अलग अलग है लेकिन बनता दोनों का आंसर क्या होता है, एक ही जैसा होता है। तो चलिए उतार लीजिए, जहां पर कटाने वाला हो उसको कटा दीजिएगा। अब आइए इसके दो नंबर क्वेश्चन को समझा जाए। सबसे पहले 2x² + x - 4 = 0, आप बताइए इसमें ए बी सी निकाल करके डी निकाल लेंगे? बोलिए, डी निकालने के बाद द्विघाती सूत्र से इसको बना लेंगे? बोलिए, तो द्विघाती सूत्र से बनाएंगे तो देख लीजिए आंसर उतना ही आएगा, आंसर बदलेगा। तो आप लोग ये दो नंबर पूरा कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है ना, बन जाएगा ना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और आप लोग इसको बना के कल लाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझा जाए। अब मैं कोई भी समीकरण हो द्विघात समीकरण ला दूंगा और आप लोग उसको द्विघाती सूत्र से बना करके लाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जितना बनाएंगे तो उतना ही प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात, मूल ज्ञात करने का अर्थ है वही द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका हल, हल तभी ज्ञात करेंगे जब द्विघात समीकरण होगा। तो बताइए ये एक नंबर द्विघात समीकरण है, तो पहले इसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, पहले द्विघात समीकरण अब बनाने के बाद से इसको हल करेंगे कैसे, तो देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक और एक्स का लघुतम एक्स होगा ना, इस एक्स में एक्स से गुणा होगा तो पता है ना आपको कि एक्स में एक्स से गुणा होता है तो क्या होता है, आइए माइनस एक का माइनस बटा में एक्स है, इधर तीन का ये कुछ नहीं है। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो x² - 1 में एक से गुणा करेंगे तो x² - और 3 में x से गुणा करेंगे तो ये 3x + में इधर आएगा तो आ गया x² - 3x - 1 = 0।
द्विघात समीकरण आ गया। अब इसमें हम ए बी सी निकालेंगे, डी निकालेंगे, मूल निकाल देंगे। ए क्या क्या होता है, किसके बगल में? एक्स स्क्वायर के बगल में कोई भी अंक नहीं है, तो ए का मान एक्स के बगल में माइनस तीन है, तो बी का मान माइनस, और अकेला अंक माइनस एक है तो सी का मान। अब निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे? तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, तो बी का मान है माइनस तीन, इसमें क्या लगाएंगे? यहाँ मिस्टेक से छूट गया है स्क्वायर, ठीक है ना। चार का चार, एक का एक, सी का मान भी माइनस एक है, सी का मान यहाँ पे माइनस नहीं है। उसके बाद देखिए माइनस तीन का स्क्वायर का अर्थ होता है माइनस तीन में माइनस तीन से, तो माइनस माइनस तीन तरीका नौ, ये माइनस और यहाँ का माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, चार एकम चार एकम नौ गो चार गो तेरह गो, तो तेरह प्लस में है कि माइनस में? तो इसका हल होगा, ठीक है। तो डी का मान जीरो से बड़ा, इसलिए मूलों का अस्तित्व द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र में जाएंगे तो माइनस का माइनस, अब बी का मान माइनस तीन, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान अब बटा में टू ए, तो दो का दो, ए का मान एक, ये माइनस से माइनस तीन, प्लस माइनस रूट तेरह दो एकम, एगो प्लस में एगो अलग अलग कर देंगे, तो ये आ गया प्लस में और ये आ गया, तो हमारा मूल आ गया तीन प्लस रूट तेरह बटा दो, एक आ गया तीन माइनस रूट तेरह बटा दो। तो कोई दिक्कत? तो द्विघाती सूत्र कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह बनाएंगे सारा सवाल, उतारिए इसको। इसमें यहाँ पे सुधार करना था, सुधार की कर लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस कटा देंगे। और तीन का दो नंबर समझिए, ये थोड़ा सा लंबा है और ध्यान से समझना पड़ेगा, ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है ना। एक बटा एक्स प्लस फोर, एक बटा एक्स माइनस सात बराबर ग्यारह बटा, ये कुछ नहीं है। पहले आपको इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, किस रूप में? और द्विघात समीकरण के रूप में बदलने के बाद इसको आप मूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इस टाइप के सवाल को भिन्न का घटाव, ये क्या है? भिन्न का घटाव करने के लिए पहले नीचे वाले का लघुतम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो x प्लस फोर और x माइनस सेवन का लघुतम निकालेंगे, तो x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन इसका लघुतम हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे, जब लघुतम निकालते हैं ना तो जितना रहता है उतना ही लघुतम हो जाता है, समझे। अब देखिए कैसे करेंगे, x प्लस फोर से भाग देंगे तो x प्लस फोर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? x माइनस, अब x माइनस सात बचेगा, तो x माइनस सात से इस एक में गुणा होगा, तो एक से किसी अंक में गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होता है क्या? तो x माइनस सात का x माइनस सात, बोलिए कोई दिक्कत? अब माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी माइनस, अब एक्स माइनस सात से भाग देंगे तो एक्स माइनस सात से एक्स माइनस सात क्या होगा? कट जाएगा, तो बच गया यहाँ पर क्या? एक्स प्लस चार, एक्स प्लस चार में एक से गुणा होगा तो अब बराबर में ग्यारह बटा तीस। अब देखिए
एक्स माइनस सात का एक्स माइनस सात, ये माइनस है तो माइनस जब आगे लगा है अंदर ऐसे अंक हो प्लस में, तो कोष्ठ से जब बाहर निकलते हैं ना तो प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला तो दोनों का दोनों प्लस है, इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस चार। अब बटा में देखिए ये गुणा में है, ये दोनों किस में है, गुणा में है, तो एक्स में एक्स से गुणा होगा तो क्या होगा, बोलिए। और यहाँ पे माइनस है तो क्या लिख देंगे, एक्स में सात से गुणा होगा तो पहले वाले से दोनों में हो गया, अब दूसरे वाले से दोनों में गुणा करेंगे, चार में गुणा करेंगे एक्स में तो क्या आएगा, और चार में गुणा करेंगे सात से तो चार सात है अट्ठाईस, कोई दिक्कत, ग्यारह बटा तीस का ग्यारह बटा। अब देखिए ये एक्स प्लस में और ये एक्स क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, माइनस सात को माइनस चार को माइनस ग्यारह को माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और चार को एक्स में से सात को एक्स कभी घटेगा, माइनस में आएगा ना, तो माइनस तीन एक्स अट्ठाईस का ग्यारह बटा तीस। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उससे पहले एक और काम कर लेंगे, नहीं तिरछा तिरछी गुणा ही करेंगे उससे अच्छा, हाँ पहले कटाएंगे, ग्यारह से ग्यारह क्या होगा, कट जाएगा ऊपर ऊपर, तो यहाँ पर माइनस है कुछ नहीं बचा तो एक, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा तो, जब कुछ भी नहीं बचे तो क्या लगा देते हैं, अब तिरछा तिरछी गुणा, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस अट्ठाईस में गुणा करेंगे एक से तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस, और तीस में गुणा करेंगे माइनस एक से तो माइनस तीस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री एक्स अट्ठाईस का, अब माइनस में तीस इधर आएगा तो बराबर में, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा तो क्या लगा देते हैं, ये जैसे वैसे उतार दिए, और तीस को में से अट्ठाईस को घटाएंगे तो कै गो आ जाएगा, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब लेट मतलब माना एक्स स्क्वायर के बगल में कोई अंक नहीं है तो एक, तो एक का मान एक, एक्स के बगल में कुछ भी नहीं है तो माइनस तीन है, तो बी का मान माइनस, अकेले है तो सी का मान, तो डी निकालेंगे, आ जाएगा डी निकालना, और डी निकालने के बाद आएगा एक, फिर इसका मूलों का अस्तित्व है तो किस विधि से बनाएंगे, द्विघाती सूत्र के विधि से, तो मूल आएगा दो और बना लीजिएगा, तो चलिए इसको उतार लीजिए, यहाँ पे ग्यारह से ग्यारह कटा देंगे, और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन चार नंबर क्वेश्चन है, तीन वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, पहले में प्लस लगता है कि माइनस, माइनस क्या लगता है, रहमान की आयु मतलब रहमान नाम का कोई आदमी है उसका एज आयु का व्युत्क्रम, बाबू व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कहें पांच का व्युत्क्रम तब कहेंगे एक बटा पाँच, कहा जाए तीन बटा पाँच का व्युत्क्रम पाँच बटा तीन, मतलब पलट दीजिए उसको, इसी को क्या कहते हैं, और अब से पाँच वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, बाद में क्या लगता है प्लस, आयु के व्युत्क्रम का योग एक बटा तो उसकी वर्तमान आयु मतलब रहमान है आज के उम्र का,
आज 3 वर्ष पहले की उम्र का, कितने वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष पहले का उम्र का व्युत्क्रम और आज से 5 वर्ष बाद के एज का व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम करना है और उसका योग 1/3 है, तो उसका वर्तमान एज क्या है? मतलब कहने का अर्थ ये देखिए, एक्स माइनस 3, मान लीजिए उसका एज कितना वर्ष है? एक्स वर्ष है, जो पता नहीं है तो उसको क्या मान लेते हैं? एक्स माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है? तो पलटोगे तो क्या होगा? 1/(x-3)। फिर आज से 5 वर्ष बाद x प्लस और ऊपर 1, इनका योग, योग मतलब जोड़, कितना है? 1/3। कोई दिक्कत इसमें? तो देख लीजिए, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, 1/(x-3) 1/(x+) बराबर में 1/3। अभी 3 का 2 नंबर बना था ना, सेम उसी टाइप से ये बनेगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 का लघुतम, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस भाग देंगे तो एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 क्या बचेगा? एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 में गुणा कर देंगे 1 से तो क्या आएगा? आएगा ना। चलिए फिर से, x प्लस 5 से भाग देंगे तो x प्लस 5 क्या होगा? तो क्या बचेगा? x माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 1/3 का 1/3। अब देखिए, 1 x है, 1 x 2 x, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और उसके बाद जैसे अब नीचे नीचे गुणा करेंगे, इस x में x से गुणा करेंगे तो x square, x में 5 से गुणा होगा तो 5x, पहले वाले से दोनों में हो गया, अब दूसरे वाले से दोनों में माइनस 3 में x से गुणा करना है, -3 × 5 = 15, 1/3। उसके बाद ये जैसे वैसे x square, 5 को x में से 3 को x कटाएंगे तो 2x, और -15 × -1/3। अब देखिए, तिरछा तिरछी गुणा, x² + 2x - 15 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा? आइए 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 3 × 6 = 6x, 3 × 6 = 6। अब सबको इधर लाना है, तो x² का x² 2x का 2x प्लस में 6x इधर आएगा तो -15 का -15, अब प्लस में 6 इधर आएगा तो बराबर में 0। x² का x² 2x में से 6x कभी नहीं घटता है, क्योंकि 2 छोटा है और 6 तो -4x, अब -15 को -6 को -, द्विघात समीकरण आ गया। तो आप यहाँ पे a का मान 1, b का मान -4 और c का मान -21, डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद मूल ज्ञात करेंगे, जो आएगा सो हमारा बन जाएगा। तो आप लोग इसको भी बना करके लाएंगे, चलिए इसको उतार लीजिए, और जितने सवाल बोले घर से बना के लाने के लिए उसको बना करके लाइएगा।